92,000 का स्कोर निकल दो गया लाख बानवे हजार 3 लाख से ऊपर होता है। यहाँ पर UFS 2.1 की स्टोरेज, यहाँ कौन सा EMMSE है, यहाँ भी UFS 2.1 स्टोरेज है। क्या नहीं बेस्ट तो नहीं, नहीं, नहीं आप इस इससे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स कह सकते हैं, मानने नहीं तो चल निकल चल निकलते हैं, मैं कोई आपको लाइव नहीं करना, चल निकल। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली हसन फ्रॉम टेक इंस्पिरेशन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खालिद और मैं हूँ खालिद टेक्निकल यूट्यूब चैनल से, और ये हमारे पास इन्फिनिक्स 08 और मेरे पास है यहाँ पोको X3 जो कि एक हफ्ते से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और भाई भी एक हफ्ते से इन्फिनिक्स 08 इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब आपके सामने एक ऑनेस्ट ओपिनियन या ऑनेस्ट रिव्यू पेश करने वाले हैं कि दोनों फोन्स में से, क्योंकि दोनों फोन 40,000 के अंदर आते हैं, दोनों फोन्स में से कौन सा एक बेस्ट फोन या वैल्यू फॉर मनी डिवाइस हो सकता है। वैसे तो हर ब्रांड क्लेम करता है कि 40,000 के अंदर ये दोनों फोन्स जो हैं, रेडमी भी क्लेम करता है और यहाँ से इन्फिनिक्स भी क्लेम करता है, लेकिन देखेंगे कौन सा फोन आपको बेस्ट देखने को मिलता है और आपको कौन से फोन की तरफ जाना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की, तो यहाँ पर देखिए अपना हाजिद भाई, डिजाइन काफी ज्यादा प्यारा निकलता है। डिजाइन तो प्यारा है, ये आप देख सकते हैं, अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों को, पोको के अंदर इस तरह लाइंस हैं और इसके अंदर जरा मतलब किस तरह हुआ हुआ है, लेकिन इसका डिजाइन की अगर बात करें तो आपने मुझे कंपेयर, लेकिन अगर डिजाइन की बात करें तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि यहाँ पर डिजाइन किसका प्यारा है। यहाँ पर इन्फिनिक्स का डिजाइन काफी ज्यादा प्यारा निकल के आ रहा है, मुझे तो ये भी प्यारा लग रहा है। नहीं, अगर आप कमेंट सेक्शन देखें तो आपको इन्फिनिक्स 08 सबसे बेस्ट नजर आएगा। तो दोनों सेम ही है तकरीबन, साइड माउंटेड फिंगर स्कैनर है, ठीक है। स्पीड की बात करें तो ये दोनों के वॉल्यूम रोकर्स भी एक ही साइड पे सेम है, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या है इसके, वही चीज है, इधर वाली साइड पे 100% सेम है और यहाँ टाइप सी है और यहाँ एक 3.5 जैक वाली मगोरी है। और ऊपर क्या है इसके अंदर, डुअल स्पीकर्स हैं, इसके अंदर डुअल स्पीकर्स हैं नहीं दिए, इसके अंदर डुअल स्पीकर्स नहीं है और यहाँ IR ब्लास्टर भी है और ये सबसे बड़ी इस डिवाइस की बेवकूफ। और यहाँ दोस्तों एक और बात मैं आपको बताते चलूँ, इस फोन के अंदर NFC सेंसर भी है, जिसे आप पेमेंट्स करते हैं वो NFC के थ्रू होती है, तो वो काफ़ी कमाल का एक मैं कहता हूँ फीचर है। कैमरा से मैं जब भी अपने मोबाइल को कनेक्ट करता हूँ मैं NFC के थ्रू करता हूँ, तो मेरे लिए एक बहुत बेहतरीन फीचर हो जाता है जो कि इसके अंदर नहीं है, इसी तरह है ना। लेकिन इन्फिनिक्स से मैं रिक्वेस्ट ही करूँगा कि नेक्स्ट जो डिवाइस आ रही है उसमें ये लाजमी बताना, नहीं तो बहुत बिस्ती होती है। तो यहाँ अगर मेन डिस्प्ले की बात करें, जो मेरे पास पोको X3 है इसके अंदर 120Hz का डिस्प्ले है, 240 का टच सैम्पलिंग है और ये फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ एक IPS LCD पैनल है विद एक मगोरी जो कि दरमियान के अंदर छोटी सी है। और यहाँ पर बात करें अगर इन्फिनिक्स 08 की, तो यहाँ पर भी आपको प्रोवाइड किया गया 90Hz का रिफ्रेश रेट, थोड़ा और है, थोड़ा भाई 180 की है, 30% थोड़ा है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर 480 nits की ब्राइटनेस प्रोवाइड की गई है, 480 nits की ब्राइटनेस है, मेरे पास 450 nits की ब्राइटनेस है। आप कंपेयर करें फुल ब्राइटनेस पे है इस टाइम मेरा फोन भी, आपका भी, कैमरे के सामने करें और मुझे जो लग रहा है आपके फोन की तरफ देख के, यहाँ पर 480 nits की ब्राइटनेस है, लेकिन आप देखें ना कि मेरा फोन ज्यादा ब्राइट है। ये सर आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, आप दोनों को कंपेयर कर लें और देखें किसकी ज्यादा है। मुझे जो लग रही है इस टाइम पोको X3 लग रही है 480 nits की ब्राइटनेस है यार, 480 उसको हमने चूसना है जब हमको सही ज्यादा ये मिल रही है। तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल। अच्छा, तो ब्राइटनेस के हिसाब से देखा जाए तो ये फोन जो है वो आगे निकल जाता है, तो बाकी जो है चीजें तकरीबन सेम ही है, 0.2 इंचेस का फर्क है सिर्फ डिस्प्ले साइजेस में, बाकी चीजें सेम ही है। बस इसके अंदर जो है डुअल पंच होल है 48 मेगापिक्सल का वर्ल्ड फर्स्ट कैमरा है, लेकिन यहाँ पर आपको देखिए 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का वर्ल्ड फर्स्ट डुअल पंच होल सेल्फी प्रोवाइड, लेकिन मेरे पास यहाँ 20 मेगापिक्सल की सेल्फी है जो लेकिन हालिद भाई ये भी देखे ना, यहाँ पर देखिए वर्ल्ड फर्स्ट ऐसा मोबाइल फोन है, यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का आपको कैमरा प्रोवाइड किया गया है। ये ये बात ने माननी पड़ेगी भाई, क्या हो रहा है, वीडियो बन रही भाई, भाई मेरे सेट पे वीडियो बना रहे हो तो बना रहे हैं ना, यहाँ कंपैरिजन बना रहे हैं, कराया दो ना सर, आपको प्रमोशन मिलेगी, हरिद्वारी बोलो यार सब्सक्राइब करें, कंप्लीट सब्सक्राइबर इनको सब्सक्राइब करें, हरिद्वारी पे सब्सक्राइब करो यार, लाजमी लाजमी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे यार, ये छोटा भाई सब्सक्राइब बना बना भाई, चलो चलो ठीक, शुक्रिया भाई। तो बाद आ जा तू, बड़े आराम बहुत मना है। तो यहाँ अगर परफॉर्मेंस की बात करें, मेरे पास इस फोन के अंदर 732G प्रोसेसर है जो कि स्नैपड्रैगन की तरफ आपको देखने को मिलता है, लेकिन हालिद भाई यहाँ पर भी आपको G90T प्रोवाइड किया गया है जी। आप ये देखिए ना कि इसकी परफॉर्मेंस जो N22 स्कोर है वो 3,05,000 सर, यहाँ भी 2,92,000 का स्कोर निकल गया, 2,92,000 3 लाख से ऊपर होता है
सर अगर बात करें रियल टाइम की तो परफॉर्मेंस इसकी भी काफी ज्यादा अच्छी नहीं है। हाँ परफॉर्मेंस इसकी भी बेहतर है, लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस यूजर की बात करें तो यहाँ ये फोन जो है वो आगे निकल जाता है विद 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज। यहाँ पर 8GB की रैम प्रोवाइड की है, UFS 2.1 की 8GB की रैम है, लेकिन इसका स्कोर फिर भी ज्यादा है। सर यहाँ पर UFS 2.1 की स्टोरेज, यहाँ कौन सा EMMC है, यहाँ भी UFS 2.1 स्टोरेज है। अभी मुझे एक और बात पता लगी कि भाई इस पे हीटिंग इश्यूज हैं, पबजी खेलते हैं फोन गर्म हो जाता है। सर हमने अंडे पकाओ, सर हमने अंडे भी तो पकाने हैं ना इस पर, ये भी आप, देखे ना आपकी खुद माशाल्लाह अंडे जैसी शक्ल है, आपने क्या अंडे पकाने अच्छा अच्छा मतलब के वो जरूरियात के मुताबिक माहौल के घर की जरूरियात भी तो हाँ जी घर के भी सिस्टम चलाने होते हैं अभी तो वो यही बात है। एक और बात मुझे लगी है कि इसके अंदर भी लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी, लेकिन इसके अंदर भी लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी अंदर है गई है, लेकिन वो लिक्विड क्या जाया हो गया है भाई। जो इसमें हीटअप इश्यूज है ना मुझे सबसे ज्यादा खटक रहे हैं, क्योंकि मैं हूँ एक पबजी लवर, मैं पबजी खेलता हूँ भाई, मैं खेलता हूँ एसफॉल्ट 9 और इसके अंदर जो पबजी और एसफॉल्ट 9 चलती है ना HD में, मैं कहता हूँ स्वाद आ जाता है, मजा आ जाता। लेकिन यहाँ पर भी काफी अच्छी पबजी चलती है, यहाँ पर पबजी अच्छी चलती है, लेकिन ये जब गर्म होता है फिर मसला। लेकिन देखिए ना हालिद भाई, यहाँ पर आपको 12 नैनोमीटर का चिपसेट प्रोवाइड किया, 12 नैनोमीटर का मिल रहा है, मेरे पास 8 नैनोमीटर का है, जो कि इससे बेहतर है, ऑप्टिमाइज्ड है और ये गर्म भी नहीं होता क्योंकि इसका आर्किटेक्चर से बेहतर है। चलो मैं कह सकता हूँ कि चिपसेट के मामले में दोनों डिवाइस मतलब बराबर ही कह सकते हैं, नहीं बराबर नहीं, आप कह सकते हैं हल्का फुल्का। जो मेन बात है वो आप माननी पड़ेगी, पोको X3 अगर हम बात करते हैं चिपसेट के हवाले से तो आगे निकल जाए, चले 19-20 का फर्क डाल, 19-20 का डाल आपकी मान लें, चले कैमरा में ये बेस्ट है, आपकी इज्जत कैमरा में ये बेस्ट है मानते हैं, कैमरा फ्रंट कैमरा में जरूर बेस्ट है, अगर बैक कैमरा की बात करें दोनों सेम तो नहीं, सेम नहीं है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है 868 हम लाइव टेस्ट करते हैं सर, सो लाइव कार्ड शुरू लाइव कार्ड लेते हैं, फ्रंट कैमरा कार्ड लेते हैं, फ्रंट कैमरा खोले तो यहाँ पर देखिए बेस्ट क्वालिटी, यहाँ ये आप देखें बेस्ट क्वालिटी जरूर आई है, लेकिन इसके कलर थोड़े फेड है, आपको भी पता लगे यहाँ पर, अगर मैं व्यूवर्स को दिखाऊं तो यहाँ ये जो है फुल्ली अच्छी टोन दे रहा है आपकी स्किन टोन, ये कलर उड़ा रहा है भाई, देखो क्या कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है इसके थोड़े ओवर कंट्रास्ट छोड़ लगे मुझे इन्फिनिक्स 08 के, 48 मेगापिक्सल का सेंसर प्रोवाइड किया गया है, 48 को आप क्या करेंगे जब आपके पास जो अच्छी क्वालिटी नहीं देखने को मिलती। इन्फिनिक्स से थोड़ा सा कैमरा वीवो ओप्पो की तरह वाइट थोड़ा सा काट देते हैं, यह सब मानते हैं, ये आप देख सकते हैं अगर मैं जूम करता हूँ, लेकिन अगर आप बात करें डिटेल की तो यहाँ पर डिटेल इन्फिनिक्स में निकल के आ रही है ज्यादा, अगर आप जूम करके देख लें ये आप बात जरूर कर सकते हैं, इन्फिनिक्स में आपको डिटेलिंग थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है, कलर सैचुरेशन हल्की बुल्की है, कलर सैचुरेशन थोड़ी सी आगे पीछे है और कंट्रास्ट। तो दोस्तों अगर ओवरऑल मैं बात करता हूं, भाई की बातें मैंने सुनी, मुझे काफी यार इंटरेस्टिंग लगी डिवाइस, लेकिन आप देख सकते हैं थोड़ा सा ना डिवाइस की लुक्स के अंदर डिफरेंस है, अगर आपको फोन देखने को मिल रहा है, लेकिन इस थोड़ा को सा देखिए इसका डिजाइन ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बहुत प्यारा डिजाइन, नहीं बहुत प्यारा डिजाइन तो है, लेकिन डिवाइस जो है वो काफी ज्यादा स्लिम है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ना भाई, करा लिया भाई, तैयब भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबा दें, लेकिन ये आगे तो निकल जाता है क्योंकि 19-20 का कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जो X3 है वो इन्फिनिक्स से आगे निकल जाता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं, आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, हल्का सा हीटिंग इश्यू इसमें आता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन हम परफॉर्मेंस की बात करें तो ये आगे निकल जाता है, कैमरा की बात करें तो ये बेस्ट है, क्या नहीं बेस्ट तो नहीं है, आप इससे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स कह सकते हैं, मानने ना इस बात को, हाँ आप पोको X3 से थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स कह सकते हैं कैमरा के अंदर। और अगर हम बात में मेन चीज की बात करते हैं जो कि NFC सेंसर, डुअल स्पीकर ना होना और आयर ब्लास्टर ना होना, लेकिन जो कि मेंशन करना जरूरी है, यहाँ पर बैकवर्ड जो लीनियन मोटर लगी है ना वो गुदगुदियां करती है, इस बात को माने नहीं, वो तो इसका एक फीचर है, फीचर नहीं है, जब आप इसको यूज करते हैं तो गुदगुदी होती है, नहीं गुदगुदी तो आपको आपने कहा गुदगुदी करवानी है, नहीं ये है इसकी जो हैप्टिक मोटर है या क्या है, हैप्टिक साउंड का फीचर है, वो जब ये चलता है ना ऐसे लगता है कि मोबाइल के अंदर छनकार सी आ रही है आवाज सी, मोबाइल हिल रहा है, पीछे बॉडी जो है वो इस तरह हिल रही है और बहुत अजीब लगता है, लेकिन मुझे ये सब ऊपर जैसे बहुत सब ऊपर बैठ अजीब लगता है, टैंक के और तोपे लगा दी गई इसके अंदर जो अंदर से दर्द 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 पैर कर रही है, अजीब लगता है इस बात का। दोस्तों आज की वीडियो का मेन डिसीजन यही निकल के आया, अगर हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से और हम बात करते हैं फ्रंट कैमरा की देखते हुए, जो लोग फ्रंट कैमरा बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उन्हें अल्ट्रा वाइड सेंसर चाहिए, बहुत ज्यादा बेस्ट, तो इन्फिनिक्स का डिवाइस एक बेटर चॉइस हो सकती है उनके लिए। लेकिन अगर कोई बंदा चाहता है कि भाई उसे परफॉर्मेंस चाहिए, उसे फ्रंट कैमरे से मतलब नहीं है कि उसके अंदर अल्ट्रा वाइड सेंसर हो, तो वो इस डिवाइस की तरफ जा सकता है, जो कि काफी अच्छी डिवाइस है
और मैं भी रेकमेंड करता हूँ इस डिवाइस को, क्योंकि इसके अंदर तीन एक एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो कि मुझे अच्छे लगे, कि इसके अंदर एनएफसी है जो कि मैं डेली यूज करता हूँ, इसके अंदर आईआर ब्लास्टर है, आरजीबी मैंने चलानी है, मैं इससे चलाऊंगा, रिमोट मेरा गवाच गया गुम गया मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे आपसे रिमोट लेना पड़ा, मैं मानता हूं इस बात को। हाँ, आप मेरा रिमोट ले लें, मेरा रिमोट आज से यही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि परफॉर्मेंस के लिहाज से ये बेस्ट डिवाइस है। चल निकलते चल निकलते, इतना कोई आपको लाभ नहीं करना, चल निकल।